हमेशा की तरह आज भी हम रावण के पुतले को जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत मनाएंगे। आखिर दशहरा यही तो होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण ने सीता जी का अपहरण किया था और उसी की वजह से उनका अंत हुआ। हमने हमेशा से ही रावण के राक्षसी व्यवहार के बारे में ही सुना है, लेकिन क्या कभी आपने रावण को रामायण से बाहर निकलकर जानने की कोशिश की है? रावण महर्षि विश्वेश्वरा के बेटे थे। उन्हें बचपन से ही काफ़ी अच्छी शिक्षा मिली थी और इसी कारण वे कई क्षेत्र में ज्ञानी माने जाते हैं। उन्होंने आयुर्वेद पर भी कई किताबें लिखी और तो और वे ललित कला में भी काफ़ी श्रेष्ठ माने जाते हैं। और तो और जब रावण को लंका का राजपाट संभालने को मिला तब एक अच्छे राजा होने का कर्तव्य भी उन्होंने निभाया। और बात यही नहीं खत्म होती। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण महादेव के कितने बड़े भक्त थे, तो आखिर इतने गुणी होने के बाद भी ऐसे कौन से अवगुण थे जिसने रावण को मार गिराया? वो था रावण का क्रोध, घमंड और उनका अहंकार। ये उनके अंदर की ही बुराइयाँ थी जिसने रावण को मार गिराया। इन बुराइयों के सामने रावण की बुद्धि, उनके गुण भी नहीं टिक सके। अब देखा जाए तो यही बुराइयाँ आज हम सब में भी कहीं ना कहीं हैं। हम जीवन में कितने ही आगे बढ़ जाएं, लेकिन क्रोध या अहंकार जैसे कई अवगुणों को अगर हमने नियंत्रण में नहीं रखा तो ये हमें पीछे कर ही देते हैं। तो आइए इस दशहरे पर हम रावण के पुतलों के साथ साथ अपने अंदर के उन बुराइयों को भी खत्म करने की कोशिश करते हैं। और इसी संकल्प के साथ टीम इंदौर टॉक की ओर से आप सभी को हैप्पी दशहरा।